أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ताला आज हम लोग रसोल्ला वसम की लाइफ के अगले स्टेज में दाखिल हो रहे हैं जिसको फ़ेज़ फ़ाइव का नाम दिया है और फेज़ फ़ाइव में हम जो है रसूलुल्लाह वसम के साथ एक अरसय दराज तक मुकाबला आरई ऐम और साहबाक्राम के ऊपर तरह तरह से जो है क्रैश ने जो किया और जो चालें चलें उनके नतीजे में जो क्रैश का हदफ था जो मकसद था वो पूरा नहीं हो पाया और फिर हिजरत हबशा बहुत सक्सेसफुल एक वेंचर रहा और जिसके नतीजे में मुसलमानों को एक पनाहगाह भी मिल गई जहाँ वो बहुत ही सेफ एंड सिक्योर वे में अपने दीन की तबलीग कर सकते थे और अपने दीन का तहफ़ भी कर सकते थे और वहाँ से वापस लाने की जो कोशिशें हुई क्रैश की तरफ से वो भी नाकाम हो गई तो इन चीज़ों के बाद यानी इस बैक टू तो बैक लॉन्ग लास्टिंग जो वाक़ हुए उनके बाद कुरैश को ये बात समझ में आ गई कि रसूल अलैहि वसल्लम से अब ताकत के ज़ोर पर या क़वत के ज़ोर पे इस तहरीक को ख़त्म नहीं किया जा सकता ये बात मैंने पिछली दफा भी बताई थी आपके सामने कि नेगोशिएशन के लिए ज़्यादा ताकत वाली हस्ती कम ताकत वाली क़वत के सामने नेगोशिएशन का प्रपोज़ल तभी रखती है जब वो इस बात को ले श्योर हो जाती है कि अब इस तहरीक को या अब इस क़वत को ज़ोर के बिना पर ख़त्म नहीं किया जा सकता तो कुछ यानी कॉम्प्रोमाइज़ज़ के लिए वो तैयार होते हैं तो यही मामला कुरेश का भी था कुरेश ने अपने तौर पर तमाम जो तरीक़े थे वो इस्तेमाल कर लिए इसके बावजूद जो है रसूल वसम के अहाब की तादाद घटना तो दूर रोज़ बरोज़ बढ़ती ही चली जा रही थी तो हिजरत हबशा के सक्सेसफुल हो जाने के बाद कुरेश का जो डेलीगेशन था उसका फ़ेल हो के वापस आ जाने के बाद कुरैश ने इस पर बड़ा गौर गौरव फ़िक्र किया और इस नतीजे पर पहुँचे कि अब मोहम्मद सल्ला वसलम से कुछ मसलहत कर ली जाए कुछ नगोशिएशन कुछ कॉम्प्रोमाइज़ज़ज़ज़ज़ज़ करवा लिए जाएँ ताकि जिसके नतीजे में क्या हो कि जो उनके दानस्त में जो वो अपने तई समझते थे कि मोहम्मद ने जो है हमारी फैमिलीज़ को तोड़ दिया है हमारे कबाइल की जो क़वत है उसको कमज़ोर कर दी है बाप बेटे को जुदा कर दिया है भाई भाई को जुदा कर दिया है और कबाइल के दरमियान में बाज़ लोग जो हैं उसी कबीले के मुखालिफ हो गए हैं यानी अपने आबाओ अजदाद के तौर तरीक़े के मुखालिफ़ हो गए हैं अपने आबा अजदाद के खुदाओं के मुनकर हो गए हैं और जो तौर तरीक़े हमारी सोसाइटी के अंदर हमारे ट्राइब्स के अंदर राइज थे उनके मुखालिफ हो गए तो ये चीज़ें जो थी इन्होंने मजबूर किया कुरैश को कि अब जो है नगोशन किया जाए तो अब इस नगोशिएशन के लिए उन्होंने जो है सेलेक्ट किया उतबा बिन अबी रबिया उटबा बिन अभी रबिया उतबा बिन अभी रबिया बहुत सीनियर मेंबर था कुरैश का यानी ये, ये कोई आम इंसान नहीं था आ, काफी ज्यादा मैंने इससे पहले भी आ, माफ, माफ कीजिएगा एक मिनट जी तो मैंने इससे पहले भी उतबा के बारे में बताया है कि उतबा बिन अबी उतबा बिन अबी रबीहा जो था ये ज़बान के ऊपर इसकी बड़ी महारत थी बहुत माहिर शायर था और अरब की पूरी जीनोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से जानता था और जो उस ज़माने का उस सोसाइटी का जो चोटी का इल्म माना जाता था हर एतबार से जो है ये बहुत ही सीनियर और बहुत ही कह लीजिए कि पुख्ता आदमी था अपने इन तमाम मामलत के अंदर तजर्बे तजर्बेकार भी बहुत ज़्यादा था उम्र भी इसकी काफ़ी ज़्यादा थी तो कुरैश ने बाज रवायतों में आता है कि किश ने पहले उतबा बिन अभी रबी को तैयार किया और बाद में उतबा ने खुद ही यानी कि ये बात उनके दरमियान तय पा चुकी थी कि यही उतबा ही जाएगा बात करने लेकिन एक मौके पे जब इनको महसूस हुआ कि अब बात जो है सर से आगे बढ़ रही है यानी पानी जो है सर से ऊपर हो गया है तो उतबा ने खुद ही खड़े होकर ऐलान किया कि, कि महम, मैं मोहम्मद के पास सल वसलम जाके जो है इस तरह के मामला को रफा दफा नहीं कर दू या इस इस इशू को सॉल्व नहीं कर दूं तो ये पूरा वाक़ जो है वो इबन इसहाक में बहुत तफसील से बयान किया गया है तो मैं आपके सामने जो है कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जा रही है मैं एक एक सेकेंड के लिए तो गर तो ये इबन इसहाक में तफसली वाक़ है तो मैं इबन इसहाक़ से पढ़ के जो है वो आपके सामने वो रवायत रखूँगा इन जो ये नेगोशिएशन हुआ ये इसके दो यानी दो नेगोशिएशन हैं टोटल कई बार यानी छोटे छोटे नगोशिएशन तो कई हैं लेकिन बुनियादी तौर पर दो मेजर डेलीगेशन दो मेजर रिप्रजेंटेटिव क्रैश के जो हैं वो रसूल रसम के पास आए हैं और जुनेगोशियशन के लिए प्रपोजल्स रखा है उन दो को हम सेपरेटली स्टडी करेंगे तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो उतवा बिन अभी रबिया की बात कर रहे हैं

तो कुरैश की मजलिस में कहने लगा कि क्या मैं मोहम्मद के पास जाके उससे बात नहीं करूं ताकि मैं उसके सामने चंद प्रपोज़ल्स रखूं कुछ बातें उसके सामने रखूं और उनमें से शायद मुमकिन है कि वो चंद चीज़ों को जो है कबूल कर ले और फिर हमारा पीछा जो है मोहम्मद से और उसकी दावत से छूट जाए या कम से कम जिस तरीक़े की परेशानी में हम अभी मुबला हैं वो परेशानी का आलम नहीं रहे

वराू अब रसूल सल वसम युका सिरून वजीदून और क़्रैश ने इस बात को देख लिया क़ुरैश ने, ने इस बात को समझ लिया कि रसोल वसम के अहाब जो हैं यानी मुसलमानों की तादाद जो है रोज़ ब रोज़ बढ़ती ही जा रही है उसमें कोई कमी नहीं हो रही तब क्रैश ने यह इरादा किया व फ़कालूँ तो क्रैश ने कहा भला या अबल वलीद ए अब वलीद ज़रूर आप जाएँ यानी उनका उनकी उतबा की जो कुत थी वो अब वलीद थी तो अब वलीद से यानी उतबा से लोगों ने क्या कहा कि आप ज़रूर जाएँ इलेही हु। इलेही उत्बा जलस इला तो उत्बा उठ के गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि के पास जाके बैठ गया और उत्बा ने जो बातें कही वो बड़ी सख्त हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मैं आपको नकल करता हूँ वह कहता है कि इन न कद आती अमरन आजीमिन फरक् जमात हूँ कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम अपनी कौम के पास इस तरीके से आए हो कि तुम बहुत ही यानी बहुत ही अज़ीम बहुत अजीम काम के साथ यानी अमरन ये अमर अज़ीम जो है ना ये वर्ड पॉजिटिव सेंस में भी इस्तेमाल होता है और नेगेटिव सेंस में भी इस्तेमाल होता है यहाँ उतबा ने इसको नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया बाद बा रवायतों के अंदर आता है कि कोई शख्स भी जो है ए मोहम्मद कोई शख्स भी अपनी कौम के लिए उतना यूँ कह लीजिए कि माज़ माज़ल्लम मनहूस नहीं होता जितने तुम अपनी कौम के लिए हो माज़ अल्लाह यानी कोई भी शख्स अपनी कौम के लिए उतना नुकसानदेह साबित नहीं होता जितने तुम अपनी कौम के लिए नुकसानदेह साबित हुए तुमने जो है बाप और बेटे के दरियाँ झगड़ा लग लगवा दिया है तुमने जो है कौम को और कबीलों को दो हिस्से में बांट दिया है तुमने क्रैश के इजतमायत का का जो यानी क्रैश की अजमायीत का जो रोब था उसका उसको चाक कर दिया है तुमने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी कि हम में से बाज़ लोग जो हैं बाज़ के ख़िलाफ़ तलवार लेके खड़े हो गए जबकि कुरैश की अजमायत का पूरी दुनिया के अंदर यानी पूरे अरब के अंदर जो है चर्चा था और फिर आगे कहता है कि तुमने हमारे अजदाद के खुदाओं में बुराइयां निकालनी शुरू कर दी है तुमने उस तरीक़े को छोड़ दिया है जिस पे हमारे अजदाद कायम थे लिहाजा मैं तुमसे चंद बातें तुम्हारे सामने रखता हूँ तुम उस पर गौर कर लो तुम उस पर ध्यान दे लो लकबिल तकबिलु कि ऐन मुमकिन है कि उसमें से बाज को तुम कबूल कर लो और फिर हमारे दरमियान जो है एक समझौता हो जाए एक ट्रीटी हो जाए एक पीस ट्रीटी हो जाए यहाँ एक और चीज़ नोट करने की है कि जब उतबा इस रिवायत में तो इब्न इसहाक़ की इस रिवायत में मौजूद नहीं है वो बात लेकिन दूसरी रिवायतों के अंदर आता है उतबा जब ने जब कलाम शुरू किया तो उतबा ने सबसे पहले जो है वो सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये रखा कि तुम अफजल हो या अब्दुल मुत्तलिब अफजल थे अब्दुल मुत्तलिब कौन है रसूल वसम के दादा और अब्दुल मुत्तलिब की हैसियत जो है वो कितनी ज़्यादा अहम थी कुरैश के अंदर वो बहुत तफसील से पहले बात आ चुकी है तो अब्दुलतर भी एक मुतफ़ अलह शख्सियत थे बहुत ही री नोड बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड शख्सियत थे उनके डिसीजन की बड़ी अहमियत थी और अरब के अंदर उनकी शहरत जो हर तरफ फैल चुकी थी प्लस अरब के कल्चर को भी आप मद्द रखें कि एक इंसान जो है यानी उस अरब के कल्चरल मोरालिटी में ये बात उनके घुट्टियों में पड़ी हुई थी कि कोई शख्स अपने अजदाद की बुराई नहीं करता यानी उनके यहाँ सबसे बड़ी बुराई जो है वो इसी बात को मानी जाती थी कोई अपने बुजुर्गों की आबाव अजदाद की जो है तज़ीम न करे उनकी, उनकी उनकी उनके बारे में उसके दिल में हमीत ना हो उनकी से उसकी उस उस यानी उनके शान का गीत वो ना गाता हो क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी एतराज़ किया है कुरैश ने तो उन यानी जो भी नुकात के जरिए एतराज़ किया है उन नुकात में से एक अहम नुकता यह भी होता था कि तुमने हमारे आबाओ अजदाद की तज़ीम नहीं की बल्कि उनको उनको बुरा भला कहा है उनको बेवकूफ़ गिरदाना है गोया पता ही चला कि अरब के इस कल्चर को भी आप जहन में रखें कि आबा आबाओ अजदाद की इतनी अहमियत होती थी और लोग अपने पूर्वजों की बड़ी यानी कदर किया करते थे इस कल्चरल एस्पेक्ट को ध्यान में रख के दूसरा एक और पहलू ध्यान में रखें कि अब्दुल मुत्तलिब वैसे भी मुत्तफिक मुतफ़ल शख्सियत थे और अब्दुल मुत्तलिब की अहमियत और इज़्ज़त बहुत ज़्यादा थी कुरैश के अंदर और अरब के अंदर बिलूम और उसके लिए जो वाक़ात शाहिद हैं वो पीछे आ चुके हैं है ना जब हमने अब्दुल मुत्तलिब की ज़िंदगी को पढ़ा था एक लेक्चर हमारा पूरा अब्दुल मुत्तलिब के ऊपर ही था तो ने यह सवाल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि इस पे खामोश रहे खामोश क्यों रहे ए, ये समझना बहुत जरूरी है आप और का कोई मुकाबला नहीं है कि वो रसोलम के दादा थे वरना इसके अलावा कोई और रीजन नहीं कि हम मुत्तलिब की करें लेकिन चूंकि उनकी नस्बत रसूल से तो डिस्पाइट ही डाइड अपॉन शिरक वी डोंट लाइक आखिरत में जो उनका अंजाम होना है वो तो होना ही है लेकिन दुनिया के अंदर जो है हम उनके बारे में कुछ बदकलामी नहीं करते हैं ना और जितने सीरत निगार हैं सब ने अब्दुल सबनेब्दुलतलिफ का के बारे में जब बयान किया है तो एक यानी एक सलीके और तरीके से ही चीज़ों को बयान किया तो ये बात अपनी जगह सही है लेकिन ध्यान दें देंगे रसूल ने इसका जवाब नहीं दिया कोई मुकाबला नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अब्दुल मुतलिफ का अब्दुल मुतलिफ की मौत शिरक पे हुई अब्दुल मुतलिफ तोहीद की नूर से आशना नहीं थे अब्दुल मुतलिप जो है वह अल्लाहबूलमिन की मार्फत नहीं रखते थे मुत्तलिब जो है वो शिरकिया रसूमत करते थे और बहुत सारी चीज़ें हैं ना इसके बावजूद और एक तरफ रसूलुल्लाह वसम हैं जिनकी इज्ज़त तो़ीर और जिनकी बुलंदी और जिनकी अफजलियत में किसी को कोई शक गजाइश नहीं है यानी जो सबसे ज्यादा अफजल और अला शख्सियत है जो सबसे ज्यादा अल्लाह के नज़दीक जलील हैं रसूल वसम के बाद वो हज़रत इब्राहीम है लेकिन इब्राहिम भी अल्लाह के रसूल सल व् मरतबे में कम तरें हैं तो ये बात वाजह है कि सबसे ज्यादा क़दर इंसान और अल्लाह का इतना बड़ा महबूब इब्राहिम आल्लम भी रसुल्लासम से कमतर हैं। तो किसी और शख्स की रसुल से अफजलियत में और तज़ीम में और क़दर होने में और उसकी उसकी जो इज्जत है अल्लाह की निगाह में उसमें कोई कम्पेरिजन नहीं है यानी बिल्कुल ये खुला हुआ मामला था कि अब्दुलमतलब की कोई हैसियत रसूल के मुकाबले में नहीं लेकिन रसूल ने इस बात का जवाब नहीं दिया उतबा बिन अबी रबी ने जब यह सवाल किया कि तुम अफजल हो या अब्दुल अब्दुलब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका कोई जवाब नहीं दिया उतबा ने आगे कहा कि अगर अब्दुल मुतलिब अफजल हैं तो अब्दुल मुतलिब भी उन्हीं खुदाओं की इबादत करते थे जिनकी तुम बुराइयां करते हो और जिनकी हम इबादत करते हैं लिहाजा तुम्हें चाहिए कि अब ये ये काम छोड़ दो यानी उतबा के जहनों, जहन में और वहम व गुमान में भी नहीं था और अरब के नज़दीक ये बात बिल्कुल ही काबिल कबूल नहीं थी उनके तसव्वुर में भी नहीं था कि कोई शख्स जो है अपने बाप दादा के बारे में कुछ ऐसा बोल सकता है यानी कि नहीं मैं अफजल हूँ अब्दुलफ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर चाहते तो बिल्कुल क्लियर कट आप जवाब दे सकते थे हदीस मौजूद है कि अना सैदु वल आदम कि मैं तमाम आदम की औलाद का सरदार हूँ वला फ़खर और मुझे इस पे कोई फख्र ये फख्रिया तौर पर नहीं बयान कर रहा बल्कि ये हकीकत का ऐलान है बल्कि अल्लाह की तरफ अल्लाह के बात साबित शुदा है कि रसूल तमाम औलाद आदम बल्कि औलाद आदम ही नहीं तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल है यानी जितनी चीज़ें अल्लाह ने पैदा की हैं वो सारी की सारी मखलूक को चाहे वो फरिश्तों की सूरत में हो जिन की सूरत में हो या दूसरी किसी सूरत में हो और इंसानों की सूरत में हो कोई भी हस्ती जो है वह इज़्ज़त अहतराम के मामले में अल्लाह के रसूल वसलम से ऊपर नहीं है इम के मामले में किसी मामले में ऊपर नहीं यह हदीस से साबित है ये बात है ना इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पे इसका जवाब नहीं दिया क्यों क्योंकि आप ने हमत अमली से सामने वाले को के सवाल की जो हैसियत थी वो सेकेंडरी थी यानी उतबा से जो असल बात करनी थी वो तोहीद और रसालत और इस्लाम की बुनियादी दावत पे बात करनी थी अभी ये मौका नहीं था कि अब्दुल मुतलब अफजल है कि मैं अफजल हूँ की बहस छेड़ दी जाए वहाँ पे और फिर उतबा को मौका मिल जाए कि अरब के नजदीक चूंकि बहुत ही बुरी बात थी कि कोई शख्स ये कहे कि मैं अपने दादा से अफजल हूँ तो उतबा को मौका मिल जाएगा वो बेवजह का शोर शराबा करेगा और मजीद रसूल की के खिलाफ जो है लोगों को कान भरने का मौका मिल जाएगा तो आप सल्ला वी का सबूत देते हुए अमली का सबूत देते हुए इस बात का जवाब नहीं दिया क्योंकि ये बात यह बहस अपने आप में सेकेंडरी हैसियत रखती है हमारे लिए नहीं उस मौके की मुनासिबत हमारे लिए तो बिल्कुल ये प्राइमरी हैसियत है कि अगर हम किसी शख्स को भी रसूल से अफजल या बराबर करार देंगे तो वह कुफर हो जाएगा सिर्फ ईमान की कमी की बात नहीं ईमान की कमज़ोरी की बात नहीं है ये कुफ़्र है कि अगर किसी शख्स को किसी के इल्म को या किसी के ताज़ीम को हम रसोल्ला से ऊपर या उसके बराबर करार दें उनके बराबर करार दें माजल्ला लेकिन उस मौके पे ये एक सेकेंडरी बात थी क्योंकि वहाँ पे प्राइमरी जो मकसद था वो तोहद की दावत देना तो ये भी एक बहुत अच्छी हमत अमली जो है वो हमें सीखनी चाहिए कि सामने वाला अगर ए, उसका मकसद जो है आपको बातों में इन्वॉल्व करके फंसाना है तो आप उसकी ऐसी बातों का जवाब ना दें या कम से कम उससे पहलू तही करें जिसके जरिए असल मकसद दावत से आपका आपका जहन जहन या लोगों का जहन हट सकता हो ये बहुत हमत अमली की बात है यहाँ पे एक बात समझने की जरूरत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ऐसे कोई शख्स होते कि जिसको लगता है कि हर मौके पे हर एक, एक बात का जवाब देना जरूरी है और हर मौके पे हर एक एक बात के वक़ु पजीर होने पे इजहार हक़ जरूरी है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन जवाब देते कि नहीं मैं अफजल हूँ अब्दुल से और ये बात साबित है अल्लाह ताला के इल्म में ये बात करार पा चुकी है लेकिन आपने ये जवाब नहीं दिया तो, तो यहाँ पे बहुत जरूरी है समझना है कि जब सामने वाले का मकसद आपको डिबेट में और मुनाजरे में और बेवजह की बातों में बहका के इन्वॉल्व करके बहसबाजी में इन्वॉल्व करना हो अगर मकसद तो ये है सामने वाले का और आप देखते हैं कि इस बात के जरिए कोई बड़े दीनी मकासद का फुलफिलमेंट नहीं होना है तो वैसी बहसों से अपने आप को बचा के रखें सेकेंडरी इशूज में कभी ना पढ़ें जैसे आप किसी एथिस्ट से भी गुफ्तु कर रहे हैं या किसी गैर मुस्लिम से गुफ्तु कर रहे हैं तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि किसी ऐसी बहस में ना पढ़ें जो बहस उसूली नहीं है मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई बहस करने आ रहा है कि वजू में तीन बारी क्यों धोना है इसको लॉजिकली साबित करके देखो तो ये बात जो है अगर आप किसी मुलित से एथेस्ट से कर रहे हैं या किसी काफिर से ये बहस कर रहे हैं तो वो बहस अपने आप में सेकेंडरी हैसियत रखती है क्यों क्योंकि जब तक वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मामला में फैसल तस्लीम नहीं कर रहा है उसको इस बात से क्या बहस की तीन बार करनी है कि दो बार करनी है? ये कोई उसूली बात नहीं है ये फरवाई बात है ये सेकेंडरी हैसियत की बात है ना तो मौके की मुनासिबत से आप जो है वो आर्ग्यू करें हाँ लेकिन कोई मुस्लिम आपसे सवाल करता है तो आप उसको हदीस के हवाले के जरिए दिखा सकते हैं हजरत उस्मान बिन अफान से हदीस मरवी है वगैरह में और दूसरी किताबों के अंदर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एहसन तरीन वजू था वो वीन बार करने का था ठीक है आप दो बार भी करते थे एक बार भी करते थे यानी एक बार वाजिब है दो बार करना भी मुस्तहब है और तीन बार जो है वो कामिल सुन्नत तो रिवायत ही बात पता है लेकिन कोई शख्स अगर दीन पर यकीनी नहीं रखता ईमान ही नहीं रखता तो उसको इस हवाले देने का कोई सेंस नहीं है तो मौके की मुनासिबत से बात करना चाहिए और गलत एतराज जिससे सेकेंडरी इशूज़ में बहस और यानी मुनाजर होने के अंदेशा हो उससे बचना चाहिए और हमेशा उसूली गुफ्तगू करनी चाहिए तो ये दूसरी रिवायत थी आगे हम वापस से इब्न इसहाक़ की रवायत की तरफ आ रहे हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब उतबा बिन नबी रबी ने ये सारी बातें रखी तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि कुल या अबुल वलीद ए अबुल वलीद कहो जो तुम कहना चाहते हो मैं सुन रहा हूँ तो अब जो है वो उतबा ने प्रपोजल्स रखा है वो प्रपोजल्स मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुने कल तो उतबा ने कहा या इबन आखी

बहुत सारा माल जमा कर देते हैं यहाँ तक तुम हमें सबसे बड़े मालदार हो जाओ आप जरा तस्वर करें कुरैश का इतना बड़ा लीडर जो सारी कवत के बावजूद आप सल्लाम के पास आ रहा है जब आप सल्ला यानी जंग भी नहीं कर रहे बे यारो मददगार हैं एक एतबार से देखा जाए दुनियावी एतबार से कोई आपके पास फौज नहीं है इसके बावजूद कुरैश का इतना बड़ा लीडर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके ये प्रपोजल रख रहा है कि अगर तुम्हें पैसा चाहिए इस चीज से तो हम तमाम लोग कॉन्ट्रीब्यूट करके तुम्हारे लिए पैसा जमा कर देते हैं यहाँ तक कि तुम सबसे ज्यादा मालदार हो जाओ हमारे घर में तो ये उस शख्स का डिस्परेशन और कुरैश का जो है डिस्परेशन शो कर रहा है कुरैश कितनी ज्यादा इस चीज से परेशान हो चुके थे और कितने ज्यादा झंझोड़े जा चुके थे इस चीज से कि वो इस चीज तक के लिए तैयार हो गए कि हम सब कंट्रीब्यूट करके मोहम्मद के लिए माल जमा कर दें और मोहम्मद अमीर शख्स हो जाए हालांकि रसूल के अयाम चल रहे थे आप इस बात को जानते हैं वह इन कुंत तुरी तुरी अमरन दू न कि ए मोहम्मद अगर तुम इस काम के जरिए इज्जत चाहते हो तो या शर्फ चाहते हो या हमारे दरमियान जो है तुम एक मुकाम चाहते हो तो ऐसा करते हैं कि हम जो है तुमको अपना सरदार बना लेते हैं और सारे मामला जो हैं तुम सही तय करवाएंगे यानी हमारा कोई मामला नहीं होगा हती कि तुम जो है उसमें अपनी रजामंदी का इजहार न कर दो यानी रसूल को अपना सरदार बना लेते हैं आप तस्वुर करें कि इतना बड़ा प्रपोजल देना कोई आसान काम था ठीक है अच्छा एक दूसरा पहलू भी करें हम आगे देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरदार तो तो बन जाते, आप बन जाते के और फिर फोर्स के बिना पे जो है इस्लाम सबके ऊपर नाफिज कर देते ये चाहते तो आप ये कंडीशन एक्सेप्ट कर लेते ठीक है लेकिन पता ही चला कि इसकी बहस आगे आएगी बहुत से लेकिन मैं बस आपको इशारा करना चाहता हूँ कि असल मकसद इस्लाम का क्या है असल मकसद इस्लाम का ये है कि लोगों के दिल जो हैं और लोग जो हैं वो अल्लाह ताला की अतात में आ जाएं। अगर लोग अल्लाह ताला की अतात में नहीं आ रहे तो किसी बातिल शर्त को कबूल करके जो है वो लोगों से ज़बरदस्ती इस्लाम नहीं मनवाया जा सकता इसके दो पहलू हैं यहाँ पर मेरी बात से बहुत से लोग जो हैं वो गलत माना निकाल सकते हैं उसकी वजाहत मैं आगे करूँगा मेरे कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इस्लाम में फ़ोर्स और जोर के इस्तेमाल को मना किया गया नहीं ऐसा नहीं दुनिया का कोई कानून अगर कानूनी सतह पे नाफिज होना है तो वो बग़ैर जोर के नहीं हो सकता इससे कोई यानी मना नहीं इस्लाम के अंदर जो है लीगल टर्म्स में फोर्स का इस्तेमाल जो है बिल्कुल जायज़ है वो कितनी उसकी हदबंदी है वो आगे बयान करेंगे लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि तलब हुकूमत जो है इस्लाम का अव्वल तरीन मकसद नहीं है अगर तलब हुकूमत इस्लाम का अवल तरीन मकसद होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सरदारी को कबूल करते और उसके बाद इस्लाम नाफिज कर देते इसका यह मतलब नहीं है कि हुकूमत की अहमियत और हुकूमती मामल की अहमियत नहीं इस्लामी निगाहों में देखिए बात को गलत न समझे कहने का मकसद ये कि अवल तरीन मकसद जो है हुकूमत का हसूल नहीं लेकिन हुकूमत की अपनी अहमियत है जोर की अपनी अहमियत है कुत की अपनी अहमियत है सरबराही की अपनी अहमियत है इस्लाम के दबदबे की अपनी अहमियत है इस्लाम का तमाम अदियान बातिला के ऊपर गलबे की अपनी अहमियत है लेकिन लेकिन तलब हुकूमत इस्लाम का अवल तरीन हदफ नहीं है इस बात को समझ लीजिए बस ठीक है और बाकी इस पर तफसी आगे आती रहेंगी आगे कहता हुआ इन कुंत तुरदू बिही मिल्कन मलिक न के अलई अगर तुम्हारा मकसद इसके जरिए जो है बादशाही है तो ए मोहम्मद हमें तुम हम तुम्हें अपना बादशाह मुकर कर लेते हैं यानी अरब आम तौर पे सरदार मुकर करते थे कुरैश खास तौर पे कुरैश में कोई एक बादशाह नहीं होता था इसके बावजूद उतबा क्या कह रहा है क्योंकि इससे पहली वाली बात के अंदर उसने जो है सरदारी की पेशकश की उसके बाद बादशाहत तक की पेशकश कर दी यानी एब पावर हम तुम्हें देते हैं वह इन क्या हाजी का र अन नफसक, अन अब इसने जो चौथी बात कही है वो भी ध्यान से सुनने की है कि उत्तबा ने कहा कि अगर तुम्हारा यानी चौथी बात ये है कि अगर ऐन मुमकिन है कि तुम इन तीनों में से किसी चीज को नहीं चाहते हो लेकिन ये भी मुमकिन है कि तुम पे कोई ऐसा जिन आता हो कोई ऐसा बुरे यानी बुर, बुरा असर तुम पे जादू का ऐसा हो गया हो जिसके नतीजे में क्या है कि तुम बाज ऐसी चीजें देखते हो जो हमें नहीं दिखती और तुम उससे अपने आप को नहीं बचा सकते हो तुम उस जिन से के बुरे असराज से खुद को नहीं बचा सकते तो तुम हमें बताओ हम लोग पैसा जमा करके अरब के बेहतरीन जो तबीब हैं उनको बुलाएंगे और उनसे तुम्हारा इलाज करवाएंगे यहाँ तक के तुम इस जिन से और उस बुरी असर से जो है मुकम्मल तुम्हें जो है वो आज़ादी मिल जाए अगर तो ये मसला है तो यह भी हमें बताओ क्योंकि कुरैश को कहीं कही ना कहीं ये बात मालूम थी कि मोहम्मद जो है झूठ नहीं बोलते हैं तो मुमकिन है कि वो वो चीज़ें देखते हो जो वो बयान करते हैं लेकिन ये देखना जो है जिनके असर के तहत होता हो तो क्रैश ने ये बात रखी फरग उतब व रसूल सल्हमिन एक दूसरी रवायत के अंदर एक और वाक्य आया है कि एक और स्टेटमेंट है उतबा का वो बयान करता है कि जो पांचवी बात उतबा ने रखी वो ये कि ए मोहम्मद अगर तुम इसके ज़रिए जो है खूबसूरत औरतें चाहते हो तो अरब की दस खूबसूरत औरतों से हम तुम्हारा निकाह जो कर देते हैं और उसमें जितना खर्च आएगा वो सब हम उठाएंगे तो ये सारी पेशकश जो है रसूल सम के पास की क्योंकि इससे पता ही चलता है कि कुरैश का डिस्परेशन का लेवल बहुत हाई हो चुका था कुरैश के पास अब कोई स्कोप नहीं बचा था कि जिसके जरिए जो है वो रसूल वसम को दबा सकें लिहाजा इतनी बड़ी बड़ी प्रपोजल जो है आप सलील वसम के सामने रखी और इबनिस की इस रिवायत में आता है, है कि इज़ा फ़राग उतबा व रसूसम यस्तमू यहाँ तक कि उतबा जो है अपनी बात से फ़ारग हो गया और रसूल वसम ध्यान से सुनते रहे इससे एक और अदब समझ में आता है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत ही बेहदा बातें कर रहा था उतबा और बहुत ही कह लीजिए कि सर पैर नहीं थी उन बातों की रसूल की शख्सियत के बिलमक़ाबिल लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी से उसको सुना कहा और जब इत्मीनान से सुन लिया तो फिर कहा अवकद फरगत या अबुल वलीद क्या अबुल वलीद या उतबा क्या तुम्हारी बात कंप्लीट हो गई क्या तुम फारिग हो गए अपनी बात से कहा نعم तो उतबा ने कहा हाँ तो कल रसूल फनी तो लिहाजा अब जो है तुम मुझसे सुनो मेरी बात सुनो अब रसूल ने जो जवाब दिया है वो जो है वो قرآن کی آیت کے ذریعے دیا ہے تو وہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں انشاءاللہ تعالی اور پھر اس کو سمجھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقومی یعلمون بشیرا و فعرض اکثر فعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا وقالوا قلوبنا في اكنه منا مما مَضَى رَسُولُ اليه ثم أَلَيْهِ أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرؤها عليه اب رسول الله سن سوره حاميم سجده کی یعنی يعني ایت جو ہے پڑھنی شروع کی اور وہ ایت یہ ہے تنزيل من الرحمن الرحيم حاميم اس قران کا نازل کرنا جو ہے وہ رحمان الرحيم کی طرف سے ہے یہ وہ کتاب ہے جو फुसिलत जो तफसील करती है यानी जो फ़र्क करती है जो वाजह करती है आया तोहु क़ुर अरबियन लौमी यालमून और इसकी आयात जो है ये यानी ये एक तो ये कि अल्लाह ताला की आयत को वाजह करती है और ये अरबी कुरान है उस कौम के लिए जो जा, जो जानती है यानी ये कुरान का नाजिल करना एक रहमान और रहीम की तरफ से है और ऐसी कौम के लिए है जो इसे जानती है यानी अरबी ज़बान को जानती है और ये क्या है ये कुरान जो है वो अरबी कुरान है और इसकी सिफत क्या है फुसलत आया हु इसकी आयात जो है वो वाजह तफसीली हैं यानी खोल खोल कर बयान की गई हैं बशीर व नजीरा इसकी सिफत क्या है बाज मुफरीन ने इससे मुराद जो है वो रसूल की जात ली है और बाज ने इससे मुराद जो है वो इस कुरान को लिया है तो ये कुरान या रसोल वसम की हैसियत जो है बशीर की सी है यानी खुशखबरी सुनाने वाली है यानी अल्लाह के रसूल सल्ला वम एक एतबार से अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी सुनाने वाले हैं उन लोगों को जो आपल्ला वसम की अतात को कबूल करते हैं व नज़ीरा और अल्लाह के रसूल सलील वसम् डराने वाले भी हैं के अजाब से या इसमें सिर्फ एक पहलू नहीं है यानि अल्लाह ताल की जहाँ रहमत का बयान ज़रूरी है वहीं अल्लाह ताली के अज़ व ग का बयान भी ज़रूरी है ताकि लोग जो है उस चीज़ से अपने आप को बचा सकें लेकिन जो अक्स, यानी अक्सर है मुशरकिन की अक्सर जो है वो इस क़ुरान से पहलू तही करती है इससे एराज करती है इससे बचने की कोशिश करती है ये आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते गए यहाँ तक कि उस मुकाम पर पहुँचे जैसा कि बाद रवायतों के अंदर आता है कि फ़ै इन फ़कुलर तुकुम सो दिन व जहाँ तक तो कि रसूल सम इस आयत को पढ़ते पढ़ते उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ पर अल्लाह तालात फरमाता है कि अगर ये लोग एराज़ करते हैं अगर ये लोग ए नबी सल वसम अगर ये लोग इस कुरान से और आप से एराज़ करते हैं फ़कुल तो ए नबी आप फरमा दीजिए अंजर तो कम कि मैं तुम्हें डराता हूँ उस उसम की बिजली से वैसी बिजली से वैसी साय कहते हैं एक बिजली को जो आसमान से अजाब के फॉर्मेट में नाजिल होती है मिसला सायकती आदन व समूद वे नबी सल्ला अगर ये लोग एराज करते ही रहें तो आप इन्हें फरमा दीजिए आप इनसे कह दीजिए कि मैं तुम्हें उस अजाब से उस बिजली से डराता हूँ उस कसम की बिजली से डराता हूँ जो आद और समूद के ऊपर नाजिल हुई थी अरब जो है वो आद और समूद के अहवाल से वाकिफ थे और ख़ास तौर पर जो सम का इलाका था और उनके जो खंडरात थे उसको अरब देखता था और अरब को मालूम था कि समूद पे किस तरह से अजाब का नजूल हुआ गोया एक और चीज़ इसे समझ में आती है कुरान में उन्हीं चीज़ों की तरफ़ इशारा किया गया जिस जिससे उसके अवलिन मखातब वाकिफ थे मखातब वाकिफ थे अवलिन मखातब कुरा, कुरान के अरब थे और अरब जिन मिसालों को जिन वाक़ात को जिन अकवाम को जिन नबियों को से कोई बारे में थोड़ा बहुत जानते थे कुरान ने उसी पर तफसीली जो है वो कलाम किया है और उसी के ज़रिए जो है हिदायत का रास्ता जो है कुरेश के लिए और अरब के लिए खोला है तीसरी एक अहम बात यहाँ से समझ में आती है कि इस चीज़ का हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जब एग्ज़ाम्पल्स दें लोगों को तो ऐसे एग्ज़ाम्पल्स दें जो जिससे लोग वाकिफ़ हों है ना या लोगों को किसी चीज़ से डराएं तो ऐसे ज़रिए से डराएं जिनसे लोग वाकिफ़ हों लोगों के सामने जो है गरीब मिसालें पेश करना या अननोन मिसालें पेश करना जो है वो मुनासिब नहीं होता वरना उन पर जो है उस तरह से बातों का असर नहीं होता मिसाल के तौर पर अब मैं आपके सामने जो है वो किसी चीज़ की फजीलत बयान करना करूं या किसी चीज़ का एग्जाम्पल दूं या किसी चीज़ को सिंबॉलिक वे में बयान करूं तो मैं अगर ऊंट की मिसाल दे बयान करूंगा तो आप उस तरह से रिलेट नहीं कर पाएंगे लेकिन मैं अगर बाइक की मिसाल दूंगा कार की मिसाल दूंगा और इस तरह से चंद चीज़ों की और मिसाल दूंगा तो वो चीज़ें जो आप है आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे है ना उसी तरह जबान का भी वही इस्तेमाल करना चाहिए जो आपकी ऑडियंस समझती है अच्छे तरीके से मिसाल के तौर पर आपकी ऑडियंस जो है गाढ़े फ़िकी इसहा से वाकिफ नहीं है तो आपको वैसे असलाहत जो है उनके सामने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे मिसाल के तौर पर आपसे कोई पूछे कि सिगरेट के बारे में क्या होगा और जो पूछने वाला है वो फीतलाहत को नहीं जानता अच्छे तरीके से तो आप उसके सामने कह दें कि मकर तहरीमी है या मकर तनजीही है या हराम है जिस भी आप ओपिनियन के क्याल हूँ तो इस तरह से अगर आप उसके सामने बयान करेंगे तो उसकी सीवियरिटी उसके ऊपर जो है वाजह नहीं होगी है ना तो उसके सामने उसी जबान में कलाम करना चाहिए उसी अंदाज से बयान करना चाहिए जिसको वो अच्छे तरीके से समझ सके विदाउट विदाउट एक्चुअली ऑल्टरिंग चेंजिंग द एक्चुअल नुसूस नुसूस यू हैव टू मेक इन अ वे दैट इज़ मोर अंडरस्टैंडेबल टू योर ऑडियंस ठीक है ये पॉइंट है जो यहाँ समझना ज़रूरी है और एक और चीज़ है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुकाम पे पहुंची और ये आयत पढ़ी और उतबा के ऊपर जो है ख़ास कस्म का एक तासीर पैदा हो गई और उसके ऊपर खौफ और दहशत का आलम हो गया यहाँ तक कि वो जब इस मुकाम पे पहुंचे हैं तो उतबा जो है वो खड़ा हो गया फ़क़ाम मजूरा उतबा जो है डर की हालत में दहशत के आलम में खड़ा हो गया वज़ा यदू अलासूल सल्लाम यहाँ तक कि उसने अपना हाथ जो है आप के मुँह पर रख दिया यकुलशुद्दा रही कि मैं तुम्हें अल्लाह ताला का और रिश्तेदारी का वास्ता देता हूँ यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस आयत पे पहुँचे और अल्लाह के अजाब से डरा रहे थे कुरान के ज़रिए तो ततबा के ऊपर ऐसी दहशत और ऐसी कैफियत तारी हो गई कि उसने अपना हाथ जो है रसोल वसम के चेहरे पर रख दिया और कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह का और इस रिश्तेदारी का वास्ता देता हूँ कि अब आगे ना पढ़ो वजाली का मखा नज़ीर और ये उस अजाब के खौफ के डर से था उतबा के ऊपर जो ये खौफ तारी हो गया था आप सल्ला वसलम का एक अंदाज़ ही अलग होता था फिर कर्न की जो अवलिन तासीर जो अरब के ऊपर होती थी वो हम पर वैसी नहीं होती प्लस वो सारी मिसालों से वाकिफ़ थे दूसरी चीज़ ये कि जब अलैहि वसल्लम के जबान से कलाम सुनने का जो असर है वो दूसरे के जबान से कलाम सुनने के असर बराबर नहीं हो सकता वकाम काम अल कौमी फ़काल मक़ाल और फिर वो जो है उतबा ने यह वाक़ हो गया तो उतबा अपनी कौम की तरफ वापस आ गया अब उतबा ने जो कौम में आके बात की है वह मैं आपके सामने इनशा तकता हूँ और बस इसके बाद जो है आज का लेक्चर हम क्लोज करेंगे पांच मिनट और तो वहां से खड़ा हुआ और अपने साथियों की तरफ जाने लगा फकम तो अब जो कुरैश की मजलिस में लोग बैठे हुए थे जो दूर से उतबा को देख रहे थे उनमें से बाज ने बाज यानी आपस में एक दूसरे से कहना शुरू किया

ما ورائك يا أبو الوليد؟ أي أبو الوليد آپ کی يعني آپ نے يا کیا معاملہ قال ورائي إني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكحانة يا معاشر القرآش أتيعني وجعلوها بي وخلو بين هذا الرج وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فعتذلوه فوالله لا يكون لقوله الذي سمعت منه نباء عَظِيمًا فإن تثبه العرب فقد كفيتموه بغيركم وإن يظهروا على العرب فملكه فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به قالوا سهرك, سهرك والله يا أبا الوليد بلسانه قال هذا ما لكم. एक ऐसी बात सुनी वल्लाही कि मैंने उस जैसी कोई बात आज तक सुनी ही नहीं और ये कौन कह रहा है ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा उतबा जो है अरब के बड़े शायरों में से था बहुत वेल ट्रेवल्ड मैन था बहुत ज्यादा ऊंचा मुकाम था। जो बड़ी किया करते, करते तो हैं कि ऐसा कला कोई, वो, वो है, कोई शेर व शायरी नहीं थी ना ही कोई जादू था न ही वो ज्योति वाली बातें थी या माशर कुरैश ऐ कैश के लोगों ए कुरेश की यानी के कुरेश की जमात अति वजू

लिहाजा मेरी बात मान लो और इस शख्स यानी मोहम्मद और जिस काम को वो कर रहा है उसके दरमियान में से हट जाओ बिल्कुल अकेला छोड़ दो यानी पहलू ती कर लो के जो बातें वो कहता है ना जो उसकी बातें हैं न उसमे बहुत अजीम मामला की खबर है यानी रसूल के में बहुत बड़ी-बड़ी बातों की खबर है, लिहाजा अरब कफ़ई तुम बेगैर कि अगर तो अब उतम ने बड़ी अकलमंदी से डिप्लोमेटिक बात की कहा कुरैश से कि उससे मोहम्मद से अलग हो जाओ मोहम्मद का रास्ता छोड़ दो बिल्कुल उससे कोई मतलब ना रखो फायतजलू उससे बिल्कुल पहलू तही कर लो अलग हो जाओ अगर तो मोहम्मद के ऊपर अरब गालिब हो जाते हैं यानी अरब से अब जाहिर है अनकरीब जो है मोहम्मद की दावत फैलेगी और अरब के बाद कबाइल जो है मोहम्मद से जंग करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अक्लमंद था उसने इस बातों को देख लिया उसने समझ लिया था मौके की मुनासबत से तो कहा कि अनकरीब अरब जो है मोहम्मद से जंग करेंगे और अगर तो वो मोहम्मद के ऊपर गालिब हो जाते हैं तो तुम्हारा काम जो है बगैर मेहनत के हो जाएगा यानी तुम यही तो चाहते हो ना कि मोहम्मद का मामला साफ हो जाए है ना और मोहम्मद ने जो फितना बरपा कर रखा है माज़ अल्लाह वो ख़त्म हो जाए तो अरब से अनकरीब उसकी जंग होने वाली अरब के मुख्तलिफ कबाइल में उसकी दावत पहुंचेगी लोग उसकी मुखालफत करेंगे और फिर इससे जंग करेंगे तो अगर तो अरब मोहम्मद के ऊपर गालिब हो जाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुम्हारा काम हो गया बगैर तुम्हारे इन्वॉल्वमेंट के है न और अगर मोहम्मद अरब के ऊपर गालिब हो जाते हैं सल्म बड़ी डिप्लोमेटिक और बहुत ही अकलमंदी की बात की ये कोई आखिरत पे यकीन और ईमान के नतीजे में बात नहीं है ये अकलमंदी की बात है जो रसूल वसम के अंदर जो पोटेंशियल उसने देखा उसके बिना पर यह बात करी कहा कि अगर मोहम्मद गालिब हो जाते हैं सल्ला वसम अरब के ऊपर तो फिर ये कि मोहम्मद की बदशाही में तुम्हारी बादशाह है कि मोहम्मद जब अरब के ऊपर गालिब हो जाएंगे तो फिर हम उनके साथ दे लेंगे और मोहम्मद हमारे ख़ानदान के हैं हमारे कबीले के हैं तो मोहम्मद की इज्जत हमारी इज्जत होगी हमें भी कुछ पोजीशन मिल जाएगी हमें भी कुछ जो है इकतार हासिल हो जाएगा और मोहम्मद की जो इज्ज़त होगी वैसे सूरत में वो तुम्हारी इज़्ज़त होगी और मोहम्मद पे सबसे ज्यादा हक हाँ तुम्हारा होगा जाहिर है कि मोहम्मद के पास अब जाहिर जब यानी बादशाहत हो जाएगी अरब के ऊपर मोहम्मद की तो उसके पास मोहम्मद को ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत होगी हुकूमत चलाने के लिए और मोहम्मद पे सबसे ज्यादा हक़ हाँ जो है वह तुम्हारा होगा लिहाजा वह तुम्हें किसी न किसी पोजीशन पे अप्रोप्रिएट करेंगे वो किसी न किसी पोजीशन को तुम्हें को देंगे लिहाजा लिया मोहम्मद लिया अगर गालिब हो जाते हैं अरब पे तो भी तुम तुम्हारी कामयाबी है तुम्हारी इज्जत है और अगर अरब गालिब हो जाते हैं तो तुम्हारा काम हो जाएगा है ना बगैर तुम्हारे इन्वॉल्वमेंट के लिहाजा मेरी सलाह ये है कि तुम जो है मोहम्मद के मामले को बिल्कुल ही छोड़ दो कल क्रैश ने कहा सि अबुलवली ए उतबा तुम पे उसने जादू कर दिया है तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया लिहाजा अब तुम भी ही जो है बातें कर रहे हो तो ने फाइनली अपनी बात को खत्म किया और कहा कि ये मेरी राय है जो मैंने इस पूरे मुकालमे से इस पूरी बात से जिस नतीजे पे पहुंचाऊ वो ये है अब देख लो तुम्हे जो करना है गोया उतबा ने अपने मामला साफ़ कर लिया और कहा कि मेरी तो यही राय है कि मोहम्मद के अंदर मोहम्मद के अंदर वो चीज़ें देख रहा हूँ जिसके जरिए जो है या तो अरब इसके ऊपर गालिब होगा एक तो लाजमी चीज़ है कि जंग होनी यानी अरब जो है मोहम्मद से जंग करेंगे सल्ला वसलम अब अगर मोहम्मद गालिब हो जाते हैं तो तुम्हारी इज़्ज़त है इसमें क्योंकि मोहम्मद के सबसे ज़्यादा हक़ तुम्हारा है और मोहम्मद की इज़्ज़त तुम्हारी इज़्ज़त होगी मोहम्मद की बादशाह तुम्हारी बादशाह होगी और अगर

के सूरत में रसुल्लाम के पास आया था और रसोल्लासम ने उसको सूर हामीम तनजील उम्मीन पढ़ के दावत दी और ये पूरी सूरत की बारह तेरह आयतें जो है आप अलैहि सल्लम के सामने पढ़ी है मौका और इजाज़त नहीं देता था वरना मैं चाहता था कि इन बारह तेरह आयतों की अच्छे से तशरी आपके हाँ सामने की जाए लेकिन अभी ये मौका नहीं है तो इस बात को हम स्किप कर जाएँगे इन अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो ये जो दूसरा डेलीगेशन जो है क्रैश का जाता है वो डिफरेंट प्रपोज़ल्स के साथ जो है वप सल्ला वम के पास आता है कुरश के चार बड़े लीडर्स वलीद बिन वगैरह असवद बिन मुत्तलिब, उमैया बिन खलफ और आस बिन वायल जो हैं रसूल की खदमत में हाजिर होते हैं और वो जो प्रपोजल्स रखते हैं ताला, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे तो मैं यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ अल्लाह तुआ है कि अल्लाह तभी पढ़ा उसको कबूल फरमाए उस परमल करने की हमें तोफ़ी फरमाए और जो खता हो गई अल्लाह ताला उसको माफ़ कर दे और रसूल से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने वाला हमें बनाए आमीन रबालमी उसमद रबालमीन इन शा आपके सवाल जवाब जो टॉपिक से रिलेटेड होंगे व इनशाल्ल्ला अब ले लेंगे